एसएसपी के आदेश 1 जुलाई से नो हेलमेट नो पेट्रोल। इसका मतलब आज के दिन लोगों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसका कितना असर लोगों पर होता है या पेट्रोल संचालक इस नियम का कितना पालन करते हैं, यही देखने के लिए आज हम वृंदावन धौरेरा पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां 50% लोग बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आए हुए थे, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उन्हें पेट्रोल देने से मना कर दिया। 15 दिन से बता रहे हैं, डेली सुबह शाम बता रहे हो। आज कितने लोगों ने बिना हेलमेट के पेट्रोल लेना चाह रहे थे? कम से कम 50% लोग आज भी बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आए जी। क्या आपने उन्हें पेट्रोल दिया? नहीं दिया। क्या कहा उनसे? हेलमेट लेके आओ जब पेट्रोल मिलेगी। तो इसका मतलब आप इस सरकार के फैसले के साथ खुश हैं जी। और अब लोग अगर जो हेलमेट बिना आ रहे हैं और आपसे पेट्रोल मांगने की जिद कर रहे हैं, तो उनसे आपकी हो सकता है भिड़ंत भी होती हो जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन व्यवस्था करे। प्रशासन व्यवस्था करे क्यों? अच्छा, तो कितने लोगों को आपने बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया और कितनों को नहीं दिया? बिना हेलमेट के मैंने किसी को नहीं दिया। बिना हेलमेट के किसी को नहीं दिया? नहीं दिया। लगभग कितने लोग आए बिना हेलमेट के? 50% आए। 50% लोग यहाँ आए जी सर। वाहन चालकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से निवेदन किया और आज लास्ट एक मौका देने के लिए बोला, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने उनकी एक ना सुनी और पेट्रोल देने से मना कर दिया। फिर लोगों ने एक दूसरे से हेलमेट लेकर अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाया। इसी को लेकर जब हमने वाहन चालकों से बात की तो जरा आप भी देखिए कि वाहन चालकों ने क्या कहा। आपको आज तो पता होगी कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। एक बात बताओ भाई साहब, दर्शन करके आ रहे हैं वृंदावन से, सुबह के निकले 7 बजे के, ठीक है, और लेडीज हमारी पीछे बैठी हुई है। अब ये पेट्रोल नहीं देंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? आपको पता है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल? वो तो पता है, लेकिन आज के बाद हेलमेट लगाएंगे जरूर। एक चांस दो खाली, एक चांस। अब तक सरकार आपको चांस ही दे रही थी, आपको बोला जा रहा है, 15 दिन से बोला जा रहा है। अब सुबह 7 बजे के निकले, बता तो रहे। अगर ऐसे ही सब लोग यहाँ आके यही कहेंगे तो क्या हाल होगा बताओ? हेलमेट तो आपकी खुद की सुरक्षा है ना। वो बात तो सही है, लेकिन आपके लिए सोच रही है। अब लगा के आएंगे जरूर, बोल तो रहे। घर पर रखा है, घर पे लगा। अब आपको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, अब पेट्रोल कैसे डलवाएंगे आप? अब पीछे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेडीज बैठी है, लेडीज। मोदी जी इतना सम्मान दे रहे हैं लेडीजों को, क्या लेडीजों की कोई वैल्यू नहीं है? क्या लेडीज नहीं चाहती? या लेडीज को भी बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगी, ये बताओ? क्या लेडीज नहीं चाहती कि आपकी सुरक्षा हो? बिल्कुल चाहती है। तो हेलमेट तो बहुत जरूरी है। जरूरी है तो लेडीज के लिए भी है क्या? हाँ, लेडीज के लिए भी हेलमेट है। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है वहाँ पे। अगर वो स्कूटी पे बिना हेलमेट के आएंगी तो उन्हें भी पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। धर्मपाल है नाम। कहाँ के रहने वाले हो? कुछ बिहार, होलोनी सीमा हॉस्पिटल के पीछे। तो इसका मतलब आपको ये पता थी कि बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा सर? तो आप मतलब डेली लगा के चलते हो या केवल? नहीं सर, आज पहली बार लगाया है सर। आज पहली बार आपने लगाया है, तो मतलब सरकार के आदेशों का पालन किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए। तो मतलब आप हमेशा लगाएंगे या आज ही? सर हमेशा लगाएंगे, हम हमेशा लगाएंगे। हमेशा लगाओगे जी। हेलमेट तो आपकी सुरक्षा है ना, आपके लिए? बिल्कुल सर, सबके लिए सुरक्षा है। जो चलाता है बाइक तो सबके लिए सुरक्षा है सर। इसका मतलब जो एक्सीडेंट भी होते हैं तो बिना हेलमेट के कई लोगों की मौत भी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है सर। अंकुश लगेगा? हाँ सर। तो आप सरकार के साथ हो हेलमेट? बिल्कुल सर, बिल्कुल साथ है। तो आप और लोगों के लिए क्या संदेश देना? सबके लिए हम यही कहेंगे कि सभी लोग लगाएं, सुरक्षाजनक के लिए सभी लोग लगाएं। मतलब हेलमेट अपनी सुरक्षा है तो बिल्कुल सुरक्षा सर, सुरक्षा।